बच्चों, कैसे हो? आजकल तो नई नई चीजें सीख रहे हो बेटा, ऑनलाइन स्टडी और साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हो। तो चलो आज बताओ क्या है बच्चों, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। क्या है बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो क्यों ना बच्चों हम आज एक प्रण, क्या प्रण लेना है कि हमें कोरोना को भगाना है, यह संदेश घर घर में पहुंचाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संदेश हमने घर घर में कैसे पहुंचाना है। तो आओ बच्चों, मैं आपको पहले एक एक्टिविटी कराती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि आपने इसे कैसे आगे पहुंचाना है। चलो आज हम न्यूज़पेपर से पेपर बैग बना रहे हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर ना हो तो आप ओल्ड मैगजीन भी यूज़ कर सकते हो, पुरानी घर में मैगजीन्स पड़ी होती हैं उन्हें यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, आपको इसके लिए न्यूज़पेपर चाहिए, थ्रेड चाहिए और फेविकोल चाहिए। ठीक है, और आपके पास घर में कलर्स तो होते ही हैं, आपको कलर्स चाहिए। ठीक, लो चलो अब हम देखते हैं हमने कैसे बैग बनाना है। बड़ा सरल तरीका है बैग बनाने का, आप देखिए और बैग बनाइए। हमने पूरा न्यूज़पेपर लिया है और उस न्यूज़पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, बंद वाली साइड ऊपर रखी है और अब मैंने इसको दोबारा फोल्ड किया है 2 इंच का मार्जिन फोल्ड कर, 2 इंच का मार्जिन साइड में छोड़कर मैंने इसकी क्रीज लगा दी। अब हमने जो मार्जिन छोड़ा है उसे भी फोल्ड कर दिया, ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब मैंने इसमें फेविकोल लगा दी, ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ा है हमने, उसमें हमने फेविकोल लगा दी। ठीक है, ये फेविकोल लगा, फेविकोल लगाकर हमने नीचे वाला पेपर निकाला और उसको ऊपर से पेस्ट कर दिया। ऐसे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया हमारा पेपर, पेस्ट हो गया हमारा पेपर। अब हमने क्या करना है, इसे 2 इंच की क्रीज इस साइड से लगानी है, ऐसे फोल्ड करके, और 2 इंच की क्रीज इधर से फोल्ड करके लगानी है। ठीक है, अब हमने क्रीज लगा दी। अब आपने इस क्रीज को खोल लिया, क्रीज खोल ली अब हमने। अब आपने जो ये क्रीज लगाई थी ऊपर की तरफ वो अंदर चली जाएगी और बाहर वाली क्रीज को आपने ऊपर कर लेना, बाहर वाली क्रीज को आपने ऊपर कर लेना, ये ऐसे, और वो अंदर गई और ये बाहर वाली क्रीज आपने ऊपर आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, या क्रीज ऊपर। अब आपने इस साइड से भी ऐसे ही करना है, ये आपने लगाया और ये क्रीज आपने ऊपर फोल्ड कर दिया अच्छे से। अब नीचे वाली साइड से भी आपने 2 इंच की ही क्रीज लगानी है और उसे फोल्ड करके ऐसे क्रीज लगा लिया 2 इंच की, फोल्ड किया मैंने 2 इंच का और उसको क्रीज लगा दिया अच्छे से। अब इसको मैंने पूरा ओपन कर दिया, ओपन करके जो हमने ये क्रीज लगाई थी इस क्रीज को हमने फोल्ड कर दिया कॉर्नर से कॉर्नर, और ये कॉर्नर ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही हमने इस तरफ से कर देना है, ऐसे ये फोल्ड करा और इसे फोल्ड करके ये। अब हम इसको नीचे रखकर बिल्कुल प्लेन कर लें ताकि हमारे कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाए ऐसे। अब ये कौन सा फोल्ड लग गया हमारा, हट फोल्ड लग गया, कौन सा फोल्ड आ गया, हट फोल्ड। अब हमने क्या करना है, इसको
थर्ड फोल्ड हमने लगा लिया। अब हमने इसको वापस कॉर्नर से फोल्ड किया और ऊपर से उसके ऊपर फोल्ड कर दिया। अब यहाँ हमने फेविकोल लगा दी हमने। अब हम इसमें, हमने पहले से ये न्यूज़पेपर काटा हुआ है, इसके अंदर हम फेविकोल लगाएंगे। इसे आप इसे चाहो तो बाहर की तरफ से रख लो, आप इसे चाहो तो अंदर की तरफ से इसको लगा लो, ताकि जो पेपर की स्ट्रेंथ है वो अच्छी बन जाए अंदर से। हम इसके अंदर 2 से 3 kg तक वेट ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको हमने अंदर से डालकर ऐसे पेस्ट कर दो। आप देखो पूरा पेस्ट हो गया अच्छे से, बने ना पेस्ट अच्छे से। अब इसको पेस्ट करके हमने, अब इसमें क्या करना है, हमने फोल्ड करने हैं। अब हमने इसे फोल्ड कर दिया। आपके पास बॉल पेन हो, पेंसिल हो, आप उससे फोल्ड कर दो। ये हमने फोल्ड कर लिया, इस तरफ भी हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, दो फोल्ड कर लिए। अब आपके पास थ्रेड है, आपने थ्रेड डाली है इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर थ्रेड डाली है और इधर से भी हमने थ्रेड डाली इसके अंदर। थ्रेड डालकर अब हमने इसको नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया। दूसरी तरफ भी हमने सेम थ्रेड डाली और नॉट लगा दिया। हमने इसे नॉट लगा, इसको फोल्ड डाला और इसको नॉट लगा। ये हमारा पेपर बैग तैयार, पेपर बैग तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने एक संदेश लिखना है, मैसेज लिखना है एक, या आप बना भी सकते हो। कैसे आपने मैसेज लिखने हैं वो मैं आपको भी बता रही हूँ। आपने लिखना है, सेफ्टी इज प्राइसलेस, सो इज योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ। आप ऐसे पोस्टर बना सकते हो और उस पर लिख सकते हो, घर में रहिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए सुरक्षित रहिए, ठीक है। आप ऐसे पोस्टर बना सकते हो, कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है, तो आपने ऐसे लिखकर अपने सोसाइटी के, कॉलोनी के आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पर 5 बैग बनाकर देने हैं। फिर वो आपके 5 बैग दुकानदार किसी को भी कोई सामान डालकर देगा तो दूसरे घर में जाएंगे, तो बच्चे पहुंचाना आपका संदेश दूसरे घर में, पहुंच गया ना। ऐसे आपने कोरोना से अवेयर करते हुए बच्चों संदेश घर घर में पहुंचाना है। ओके बच्चों, चलो अब हम आपको एक और काम देकर जा रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो भेजूंगी जिसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बताया गया है। आप सब बच्चों ने उसकी थोरली स्टडी करनी है, ठीक है। ओके बेटी।